हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी, वो भी देसी स्टाइल से, लेकिन स्वाद वही रेस्टोरेंट वाला। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने दो कढ़ाई में तेल को गर्म किया है। छोटी में हम पनीर को फ्राई करेंगे, बड़ी में अपनी ग्रेवी को तैयार करेंगे। तेल को गर्म हो जाने के बाद इसमें हम करेंगे खड़े मसालों को ऐड, जो है आइए हम देखते हैं क्या क्या है। 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, आधी चम्मच जीरा, 2 से 3 तेज़पत्ता। इन सभी को हम तेल में ऐड कर देंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से भूनेंगे। आप आँच को मीडियम ही रखें। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तभी हम इसमें नेक्स्ट स्टेज वो करेंगे। अब इसमें हमने लिए 3 से 4 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हमने इनको बारीक कट करके लिया है। आप इनका पेस्ट या प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट हो जाने तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज के ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जिनको हमने बारीक कट करके लिया है। इन सभी को अच्छे से भूनेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब तक इसको चला चला के भूनेंगे। देखिए हमारा कलर कितना सुंदर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी और इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। इन सभी को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें अब कुछ सूखे मसालों का इस्तेमाल करेंगे। सूखे मसाले क्या हैं आइए देखते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच बेसन। इन सभी को हम टमाटर और प्याज की प्यूरी में ऐड कर देंगे। बेसन हमने इसलिए लिया है, बेसन से हमारे जो ग्रेवी है उसमें एक बाइंडिंग से आ जाएगी, जिसका स्वाद कमाल का होगा। दोस्तों आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। अब ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि पानी को हम बाद में भी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट पकाएंगे। साइड में हमने पनीर को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, आप ऑयल को ज़्यादा गर्म ना करें। अब इसमें देखिए हमारे पनीर का कलर चेंज हो गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो हमारे पनीर जल जाएंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट जो है जला जला आएगा, इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई किया है। अब इसको हम तेल से निकाल लेंगे। अब हमारी सब्ज़ी चेक करते हैं। देखिए मसाले ने जो ऑयल छोड़ दिया है और हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए मटर। हमने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल करें तो आप उसको 5-7 मिनट उबाल लें और उबालते टाइम उसमें 1/2 चम्मच चीनी का डाल लें, जिससे उसका मीठापन, उसमें हल्का सा मीठापन आएगा और उसका हरा कलर बना रहेगा। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों से मसल कर डाल देंगे। इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप इस तरीके से मटर पनीर सब्जी बनाकर ज़रूर देखें और टेस्ट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कैसी है। अब इसमें हमने थोड़ा सा डाला है पनीर मसाला। आप पनीर मसाले को थोड़ा और ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमने कम ही डाला है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका देंगे। देखिए हमारा मसाला तैयार है। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो आप इसको 5 मिनट तक ढककर पकाएं। हमने फ्रोज़न मटर का लिया था इसलिए हमने 2 ही मिनट ढककर पकाया है। अब हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। अगर आप इसको चावल के साथ बना रहे हैं तो आप ग्रेवी को पतला रखें। अगर आप नान रोटी पूरी के साथ बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखें।
देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ना ये गाढ़ी है ना ये ज़्यादा पतली है। अब इसमें हम अपने पनीर को ऐड कर देंगे और अच्छे से पकाएंगे, चला चला के एक बार मिला लेंगे इसको अच्छे से। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो है गरम मसाला। हाफ टी स्पून गरम मसाले को ऐड किया है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए ढककर एक बॉईल आने तक पकाएंगे और हमारी सब्जी तैयार है। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। और हाँ, आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किसकी देखनी है। मैं ज़रूर पूरी पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को, सभी के साथ वो रेसिपी शेयर करने की। थैंक यू। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है ना, कैसी बनी है ज़रूर बताना कमेंट करके। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।